दोस्तों, अगर आपके घर में भी प्रिंटर है और प्रिंटर की इंक यानी कि कार्टेज खत्म हो गई है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेरे पास ये प्रिंटर है और इसकी जो कार्टेज है वो खत्म हो गई है, इंक इसके अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी कार्टेज को भर सकते हैं, क्योंकि नई कार्टेज बहुत महंगी पड़ती है। इसकी जो कार्टेज आ रही है वो 1700-1800 रुपए की कार्टेज आ रही है, दो ब्लैक एंड व्हाइट और कलर वाली। ये जो प्रिंटर है ये एचपी का जेट डेस्क के नाम से प्रिंटर है, 2335 इसका मॉडल है। बट आज मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ 40 से 50 रुपए में आप घर पे ही खुद से कैसे इसकी कार्टेज में इंक भर सकते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, आधे घंटे इसका समय लगता है मैक्सिमम। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे करना है, कैसे आपको प्रिंट इंक भरनी है, उसके अंदर कहां से आपको इंक मिलेगी 40 से 50 रुपए में। सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिनके घर में भी प्रिंटर है वो भी पैसे बचा सके और खुद से जो प्रिंटर की इंक है उसको भर सके। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिएगा इंक, जिसके लिए एक किट है। तो ये मैं आपको बता भी दूंगा कहाँ से आपको मंगानी है, कितने रुपए की है, कितने रुपए में भरेगी, तो देखेगा। इसके अंदर ब्लैक, येलो, साइन, मेजेंटा सारे कलर हैं, पूरी किट है। अगर आप देखेंगे तो ये सक्शन टूल भी इसके अंदर निकलता है, कैसे यूज़ होगा वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसमें आपको ये कुछ ग्लव्स निकलते हैं, अगर आप चाहें तो पहन सकते हैं ताकि हाथ आपके गंदे ना हो। तो ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने अपना प्रिंटर कनेक्ट कर लिया है दोस्तों लैपटॉप के साथ, जिसके अंदर ब्लैक और साथ में जो कलर वाली कार्टेज है वो बिल्कुल ब्लैंक दिखा रहा है, खाली दिखा रहा है, उसके अंदर कोई इंक नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं ब्लैक वाला जो प्रिंट है वो निकाल के देखता हूँ एक फ़ोटो कॉपी की तरह। और ये देखिएगा दोस्तों, निकला है, और ये जो पेज है ना बिल्कुल ब्लैंक निकल रहा है, क्योंकि जो कार्टेज है ना वो उसके अंदर की इंक बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर मैं बात करूँ कलर वाले कार्टेज की, क्योंकि इसके अंदर दो कार्टेज आती हैं, एक ब्लैक वाली और एक कलर वाली, कलर वाली भी निकालता हूं तो वो भी जो पेज है A4 शीट, ये बिल्कुल ब्लैंक निकलती है, कोई प्रिंट नहीं निकल रहा है दोस्तों इसके हाथ में। तो अब क्या करना होगा, अब हम कार्टेज के अंदर भरेंगे इंक। तो सबसे पहले कार्टेज को निकालते हैं, तो इसके लिए आपको कार्टेज को आगे की तरफ खींचना होगा थोड़ा प्रेस करके, और इस तरीके से आपकी दोनों कार्टेज, कलर वाली भी और ब्लैक एंड वाइट दोनों निकल जाएंगी। तो अब ये दोनों कार्टेज निकल गई हैं, ये कलर है देखिए, इस पर कलर बने हुए हैं, और ये वाली जो है ये ब्लैक है। तो ये दोनों कार्टेज को निकालने के बाद एक पेपर बिछा लीजिएगा, ताकि इंक वगैरह अगर गिरती है तो आपकी टेबल कुछ भी ख़राब ना हो। अब सबसे पहले मैं इंक की शीशियों को निकाल लेता हूँ। इसके अंदर लिखा है 15+ डेज, यानी कि 15 दिन तक प्रिंट भी नहीं निकालते तब तक भी ये सही रहेगी। और 100 ml की शीशी आती है, जिसके अंदर से हमें मात्र 1.5 से 2 ml अभी के लिए ज़रूरत है। तो आप लगा सकते हैं कितनी बार इसके अंदर इंक आप भर सकते हैं। ये जो कार्टेज है ये देखिएगा दोनों, अभी नीचे से इसमें से कोई इंक नहीं निकल रही है, बिल्कुल सूखी हुई है, खाली है। तो सबसे पहले ब्लैक वाली कार्टेज के अंदर इंक भरते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों करना क्या होगा, ये जो ऊपर का स्टिकर है इसको निकाल लेना होगा। स्टिकर निकालने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर 5 छेद हैं, जो 4 कोनों के छेद हैं उनको कुछ नहीं करना, बीच वाला जो छेद है दोस्तों इसके अंदर हमें इंक भरनी है। इसके अंदर जो है स्पॉन्ज होता है, एक फॉर्म टाइप होती है, जिसके अंदर ये इंक आ जाएगी और उसके बाद ये प्रिंटर में लगाने के बाद काम करेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस इंजेक्शन के अंदर दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर कोई भी हवा है, एयर है, तो उसको निकाल लूँगा। और निकालने के बाद इसके अंदर 1.5 से 2 ml, मात्र 1.5 से 2 ml मुझे इंक भरनी है। और इसमें हल्का सा इसको निकाल लीजिएगा, ताकि कोई भी एयर है तो वो निकल जाए, एयर जो है वो कार्टेज के अंदर नहीं जानी चाहिए। ढक्कन को कर देते हैं बंद, और अब एक पेपर ले लीजिएगा, कार्टेज के नीचे लगा लीजिएगा, कि किसी भी तरीके से अगर कार्टेज आपकी लीक होती है, ओवरफ्लो होती है, तो वो इंक इसी पेपर पे आए। और इसके जो बीच वाला छेद है उसमें इस तरीके से थोड़ा सा उसको अंदर नीडल को डाल के आप इंक को धीरे धीरे करके भर दीजिएगा। तो ये जो हमारी ब्लैक वाली कार्टेज है ये भर गई है, मैंने 1.5 ml इसके अंदर ब्लैक वाली जो इंक है वो डाली है दोस्तों। और डालने के बाद अब देखिएगा, अभी तक कोई भी ना इसमें इंक नहीं निकल रही, कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ है, किसी तरह की नहीं है, क्योंकि मेरी जो कार्टेज है वो खाली भी हो गई है, और कम से कम 2-3 महीने से प्रिंटर जो है वो यूज़ नहीं हुआ है दोस्तों। तो अब करना क्या होगा कि सक्शन टूल का यूज़ करना होगा। उसके लिए पहले मैं स्टीकर चिपका देता हूँ। आपको याद रहे स्टीकर अच्छे से चिपकना चाहिए, अगर स्टीकर आपका लूज़ है, थोड़ा दाएं बाएं से सही नहीं चिपक रहा, तो आप इसके ऊपर कोई भी टेप चिपका दीजिएगा, जिससे कि जो आपकी कार्टेज की इंक है वो सूखे ना। इसके अंदर 2 रबड़ आती हैं, छोटे वाली जो थी दोस्तों वो थी कलर वाले के लिए, कार्टेज के लिए, और ये वाली बड़ी वाली है ब्लैक एंड वाइट के लिए। अब इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा हुआ है दोस्तों, जिनकी कार्टेज छोटी होती है उनके लिए, तो इसको निकालना होगा थोड़ा सा साइड से, इस तरीके से इसको खोल के मैं अगर इसको निकाल लूँगा तो
तो ये अलग से एक ट्रे है, वो निकल जाएगी। निकलने के बाद दोस्तों अब इसका साइज़ बढ़ गया है और मेरी कार्टेज इसके अंदर फिक्स आ जाएगी, अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और ये देखिएगा, इसको दबाने के बाद कार्टेज इसके अंदर फंस जाती है अच्छे से। और फंसने के बाद ये देखिएगा, नीचे जो है हमारे पास एक होल है जिसके अंदर से हमें सक करना होगा इसके इंजेक्शन की मदद से। यही सक्शन टूल का काम है, जिससे कि इंक जो है वो नीचे आ जाए और प्रिंटर में जो आपकी कार्टेज है वो अच्छे से काम करना शुरू कर दे। कई बार क्या होता है कि बहुत टाइम से आपका प्रिंटर यूज़ में नहीं होता या जो इंक है वो सूख जाती है, तो उसी के लिए ये सक्शन टूल का यूज़ किया जाता है। और ये देखिएगा दोस्तों, अब ये थोड़ी थोड़ी करके इंक आनी शुरू हो गई है, तो मैं थोड़ी सी इंक को निकाल लूँगा पहले। और ये इंक इसके अंदर से आ गई है और ये देखिएगा कार्टेज में नीचे से इंक निकलना शुरू हो गई है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इंक थोड़ी देर में सूख जाएगी। तो 10 मिनट के लिए इसको साइड रख देते हैं। अब जो है ये वाली इंक को मैं ब्लैक वाले के अंदर डाल दूंगा शीशी में, क्योंकि ये फिर से यूज़ हो जाएगी, ये कोई बेकार इंक नहीं है दोस्तों। अब हमारा काम है जो हमारी कार्टेज है कलर वाली, उसको भरने का। तो कलर वाली कार्टेज के अंदर थोड़ा सा आपका जो कलर का हिसाब है वो अलग रहेगा, क्योंकि इसमें भी 5 ही छेद दिए हुए हैं, बट पहले ऊपर के 3 के अंदर कलर भरना है, नीचे के 2 को नहीं छेड़ना है। तो अब कौन कौन सा कलर किस में भरना है, इस वाले में येलो, ऊपर वाले में मेजेंटा और साइड वाले में सियान, ये 3 कलर आपको भरने हैं। आप इसको पॉज करके इस तरीके से नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो जो इसके होल है उसमें वही जानी चाहिए इंक। जैसे इस वाले में येलो है तो इसमें साइड लेफ्ट साइड वाले में येलो ही जानी चाहिए। तो 1.5 ml मैं ले लूँगा। 1.5 ml लेने के बाद दोस्तों मैं इसको इस वाले छेद के अंदर इस तरीके से, जो पेपर नीचे रख लिया है ताकि कोई इंक ना निकले, नीडल जो है उसको डालने के बाद धीरे धीरे करके इसके अंदर भर दूंगा। मेक श्योर किसी भी तरह की कोई हवा ना जाए, तो इसलिए थोड़ा सा उसको पहले चेक कर लीजिएगा। अब जो हमारी दूसरे वाली है दोस्तों वो मेजेंटा है, तो सबसे ऊपर वाले में मेजेंटा कलर की इंक जाएगी, उसको भी मैं 1.5 ml लूँगा। मैंने ब्लैक वाले में भी 1.5 ही लिए, तो सब में मैं 1.5 ml ही ले रहा हूँ। और लेने के बाद दोस्तों अभी मैं क्या करूँगा, जब प्रिंट में टोटल निकाल लूँगा मेरी कार्टेज खाली हो जाएगी, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के भी आपको बता दूंगा कि 1.5 ml में अगर आप डाल रहे हैं तो आप कलर और ब्लैक एंड वाइट कितने पेजेस निकाल सकते हैं। अभी का जो मेरा अप्रॉक्स आइडिया है कि मैं 50 पेज ब्लैक और अगर 30 पेज कलर वाले भी निकालता हूँ तो टोटल 80 पेज के आसपास निकल जाएंगे। अब इसको भी मैं सक्शन टूल की मदद से इसकी जो इंक है उसको थोड़ा सक करके निकाल लूँगा, ताकि वो जो इंक है वो नीचे आ जाए और अच्छे से काम करे। तो ये देखिएगा, ये फिट हो गई है कार्टेज अच्छे से। कोई भी एक इंजेक्शन ले लीजिएगा, उसके लेने के बाद में आप इस तरीके से सक्शन टूल से करेंगे तो वो निकल रही है, देखिए। बट ये वाली जो इंक है ये यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, 3 जो हमने कलर मिलाए थे तीनों का कॉम्बिनेशन है। टेप को चिपका दीजिएगा स्टीकर को, और ये देखिएगा अब इनको 10 मिनट छोड़ दीजिएगा दोनों को ऐसे ही। अब छोड़ने के बाद अब हमें जो हमारी कार्टेजेस हैं उनको इसके अंदर लगाना है। तो मेरे वाले प्रिंटर में जो लेफ़्ट साइड है वो कलर वाले के लिए है, तो मैं कलर वाली कार्टेज इधर लगा दूंगा और ब्लैक वाली कार्टेज उधर लगा दूंगा। थोड़ा सा प्रेस करके आप लगाएंगे तो वो अच्छे से कार्टेज फिक्स हो जाएगी इसके अंदर। फिक्स होने के बाद अब देखते हैं प्रिंट निकाल के कि प्रिंट किस तरीके से निकलता है। तो प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोटोकॉपी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ब्लैक वाली करूँगा दोस्तों। तो ब्लैक वाला बटन दबाने के बाद देखिए पेपर जाना शुरू हो गया और ब्लैक वाली जो प्रिंटिंग है वो हो गई है। और ये देखिएगा कितना अच्छा, कितना प्यारा ब्लैक वाला जो प्रिंट है वो निकला है, एकदम कलर और सब कुछ, जो शाइनिंग डिटेल्ड सब कुछ इसके अंदर अच्छे से आ रहा है। अब करते हैं कलर वाले का। कलर वाले में जो है वो भी निकल गया है दोस्तों। पहले ब्लैंक निकल रहे थे, इंक भरने के बाद निकल रही है। कलर के अंदर देखिएगा मेरी तीनों इंक अच्छे से फैल गई हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से कलर प्रिंटर की क्वालिटी देखिएगा बिल्कुल जैसा बुक है वैसे ही निकल रहा है। हर कलर अच्छे से चमक रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से इसके अंदर प्रिंट निकला है। तो ये दोनों जो हमारे कार्टेजेस हैं वो भर गई हैं। अब बात करते हैं पैसे की। तो दोस्तों ये जो किट है पूरी की पूरी 435 रुपये की आई है, जिसमें से हम एक शीशी के अंदर से 1.5 से 2 ml भर रहे हैं, जिससे कि हमारी 50 बार अप्रोक्स कार्टेज भर जाएगी। उसके हिसाब से 8.70 रुपये पर कार्टेज का जो कॉस्ट है वो आता है। अगर 80 पेज भी अब अगर हम निकालते हैं तो 10 पैसे पर पेज हमारा पड़ेगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।